हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू। ये हमने दराज से ऑर्डर किया है और इसका नाम है स्पोर्ट फैन, और इसका सिग्नेचर टून जो लिखा है, जैसे लिखा हुआ है, मेक यू कूल वेन एवर एंड वेयर एवर यू आर। तो आज हम इसका प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे जो है ना। इसके साइलेंट फीचर्स को देख लेते हैं हम, जिसमें क्या क्या है। कलरफुल लाइट्स है, साइलेंट मोटर, स्ट्रॉन्ग विंड, ईजी टू यूज़, फ्री योर हैंड्स, कंट्रोल द स्पीड, इंडिपेंडेंट कंट्रोल, फैन एंगल और यूनिवर्सल एडजस्टमेंट। मेन जो चीज़ बताने की है वो ये है कि इस जो है ना फ़ैन की, इसमें लाइट्स भी एडजस्टेबल हैं और फ़ैन की स्पीड भी आप अपनी तीन सेट में सेट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स ओपन द बॉक्स। ये बॉक्स ओपन कर लेते हैं। हाँ, ये दिखाना भूल गया मैं। ये जो है ना, इसका साइज़ लिखा हुआ है, वेट लिखा हुआ है, और बैटरी जो है इसकी 2000 mAh है, और ये चल सकता है जो है ना। वर्किंग टाइम 2 to 6 आवर्स ये कंपनी क्लेम करती है। तो वो हम देख लेते हैं जो है ना, इसको यूज़ भी करके। तो ये तीन चीज़ें साथ इसकी निकली हैं। एक तो इसकी चार्जिंग पोर्ट है, क्योंकि यूएसबी स्पोर्टेज है, तो यूएसबी स्पोर्ट है, तो इसके साथ यूएसबी केबल आ गई। और साथ ही एक मैनुअल बुक है कि किस तरह यूज़ की जाती है। और साथ ही ये क्या है जी, ये इसको आई गेस साफ़ करने के लिए जो है ना उन्होंने दिए हैं। ये साफ़ करने के लिए आई गेस, पानी में डाल के साफ़ करने के लिए। तो मेन प्रोडक्ट पे आते हैं। ये है जी मेन प्रोडक्ट, और ये जैसा कि वो लिखा हुआ हमने देखा भी है कि 360 एडजस्टेबल है, मतलब आप इसको किसी तरफ भी घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और इसकी, अब इसको अभी ऑन करके चेक करते हैं हम। वैसे इसको ऑन करके चेक करके ऑन करके हमने चलाया है और एक दिन यूज़ किया है, ताकि हम उससे पहले आपको रिव्यू दे सकें इसका। तो इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, और जो है ना ये मतलब किसी तरह एंगल से ये फ्रिजाइल नहीं लगता या ख़राब होने वाला इतना जल्दी नहीं लगता। तो अभी ऑन करते हैं। ये इसकी पहली स्पीड है पंखे की। तो अभी हम इसकी स्पीड्स पे आते हैं, इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि तीन टाइप्स में इसकी स्पीड को सेट किया जा सकता है। तो ये इसका पावर ऑन बटन है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, तो इसको ऑन करते हैं। ये इसकी पहली स्पीड है, और इसको सेकंड में जाते हैं, तो दोबारा प्रेस करते हैं हम। ये सेकंड है, और फुल पे, थर्ड पे जो ना, ये फुल में हो जाता है, फुल स्पीड पे। तो ये फुल में हो गया, तो इसकी अच्छी खासी स्पीड है। मैं अगर दिखा सकूँ तो मतलब नोटिसेबल स्पीड होती है अगर आपने लगाया हो साथ। तो ये एक साइड से ही थ्रो करता है स्पीड जो है ना, जो आपने जिस एंगल पे आपने रखना है अपने नेक में, तो ये आपको इस तरह देगा। वाह, ऊपर की तरफ मोड़ भी सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसकी लाइट्स की तरफ। तो इसको बंद कर देता हूँ फैंस को मैं। लाइट के साथ ही स्विच बना हुआ है, तो शायद नज़र आ रहा हो। तो ये इसकी पहली सेटिंग है लाइट्स की, इसमें खुद ही लाइट चेंज करेगा। इसमें खुद ही लाइट सेट करेगा, चेंज करेगा। और सेकंड में जाते हैं हम, तो ये इसमें स्टेबल रहती है लाइट सेकंड में। और अभी हम इसको साथ फैन भी चलाएं, तो ये चीज़ है। तो गाइस, ये था हमारा रिव्यू इस प्रोडक्ट का। तो हम डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक लगा दें कि हमने ये कहाँ से परचेज़ की, आप भी वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। हमने दराज से परचेज़ की थी, तो मैं नीचे लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है अगर आपने किसी जाना है, हाइकिंग के लिए जाना है, या आपने किचन में ज़्यादातर वर्क करना है, तो उसके लिए जो है ना ये काफ़ी हेल्पफुल प्रोडक्ट है। तो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, और डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।
जी गाइस, वो एक चीज़ बताना हम भूल गए थे, वो ये कि ऐड करना भूल गया था मैं कि इसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन है यहाँ पे ना, यहाँ पे, क्योंकि मोटर इसकी यहाँ पे लगी हुई है, तो जब इसे आप नेक में यूज़ करते हैं ना यूँ, तो इसको जब हम नेक में यूज़ करते हैं यूँ डाल के, तो जब ये नेक के साथ टच होती है ना ये चीज़, तो यहाँ पे थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है, तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल आप फील करते हैं। अदरवाइज़ ये हवा के लिहाज से मतलब अच्छी खासी हवा देता है ये प्रोडक्ट, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना आप वाइब्रेशन फील करते हैं नेक में जब आप चूज़ करते हैं ऐसे, तो थैंक यू वेरी मच।